बताने के लिए मैंने इसको मैनेजर बनाया था। हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त है, आप सहाफियों से दरख्वास्त है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग का रोल है, आप लोग पैसे दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, अपनी अबाव तक पहुँचा सकते हैं। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट साइड है, लाहौर आर्ट म्यूज़ियम में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे एक स्कल्पचर जो कि आयशा शाह नवाज ने बनाया है, उस स्कल्पचर को देखने के लिए आए हैं। और ये जो स्कल्पचर है, ये जो मुजस्मा है, ये बलूचिस्तान का जो एक कल्चर है, और जहाँ पे ऐसे नवाजरात मौजूद है, उस चीज़ की अकासी करता है। और हमारी हुकूमत की ये बड़ी ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम सारी पाकिस्तान की जो सकाफत है उसको उजागर करें, जो इलाकाई और जो सूबाई सतह पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, म्यूज़ियम्स जो हैं उनको आगे ले कर चलें, आर्ट गैलरीज जो हैं उनको बेहतर करें, और आर्ट्स काउंसिल्स जो हैं उनको मज़ीद मुतहरक करें, क्योंकि किसी भी माशरे में उस माशरे का जो कल्चर होता है वो उसकी सही तर्जमानी और अकासी करता है। इस सिलसिले में वफाकी वजारत कल्चर और हेरिटेज ने हमने एक ऑल पाकिस्तान स्टडी कमीशन की है, जिसमें हम सारे पाकिस्तान के जो तारीखी मुकामात हैं उनका सर्वे कर रहे हैं, और उसके लिए एक बाकायदा एक डिजिटल मैपिंग उसकी हो रही है, ताकि आपके हाथ में टेलीफोन में ये फैसिलिटी होगी कि अगर कोई इलाके में आप जाते हैं और पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी तारीखी इमारत है, कौन सी तारीखी नवादरात मौजूद हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो मैं फिर एक दफ़ा आयशा शाहनवाज साहबा को ये मेहनत करने पे मुबारकबाद देता हूँ, और लाहौर आर्ट्स म्यूज़ियम बड़ी खिदमत कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि और भी आर्ट को प्रिजर्व करना, आर्ट को सही तरीके से डिस्प्ले करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो है जहाँ तक आर्ट और कल्चर का ताल्लुक है। अब आप क्योंकि सारे आए हुए हैं तो थोड़ी सी सियासत पे और कुछ हालात हाजरा जो मुल्क है उस पर बात हो। सर, आप ये बताएं कि आप बड़े एक मुतहम्मल और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन आप भी उस दिन वो जो बजट की किताबें पढ़ रहे थे, आप जैसे सुलझे हुए इंसान से इस तरह बहरहाल उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि जिसमें जब आपके लीडर को गालियाँ दी जाए तो और आके उसके सामने बुरा भला जाए तो जज्बात जो है वो मुश्तिल होते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी वाकया उस दिन हुआ वो अफसोसनाक था, और उसमें किसी को कोई खुशी नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग के अंदर एक ऐसा तबका है जिसकी ख्वाहिश है कि ये असेंबली ना चले, वो जब मौका मिलता है वो वहाँ धींगा मचती और ये चीज़ें करके असेंबली का माहौल जो है उसको ख़राब करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहली दफ़ा लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुए, जो पहला दिन था इस असेंबली का, उस दिन भी इन्होंने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की और धींगा बश्ती की, और जिसकी वजह से वो एक बदमजगी पैदा हुई। इस दफा भी आप देखें कि जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे, कहा जाता है कि जी बजट के दौरान तो आवाज़ें कसी अपनी सीट पे खोले होके जो भी करते, लेकिन ये इमरान खान साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर आए और वहाँ पर आके इन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए
और उससे हमारी जितने भी लोग थे उन सब के जज्बात मुश्तिल हुए। और अब भी आप देखें कि अगले कल बिलावल भुट्टो की तकरीर थी और उसने बजाय इसके कि हालात को ठंडा करे उसने कहा जी घोड़ों की तादाद बढ़ गई, गधों की तादाद बढ़ गई। तो अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि हालात जो है उनको असेंबली को सही और तरीके से चलाया जाए। और मुझे यकीन है कि एक तबका ऐसा ज़रूर मौजूद है ख़ास तौर पर नून लीग में जिनके पीछे शायद वो जो लंदन में बैठे हुए हैं और एक और वो हैं शायद। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे लंदन जाने दिया जाए कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे अपना इलाज कराने की ज़रूरत है और मेरे हालात कोई अच्छे नहीं है। और फिर वो चार घंटे उठ के नेशनल असम्बली में माशाल्लाह तकरीर करते हैं और बहुत अच्छी सेहत लगती है उनकी। तो ये तो वही बात हुई जो मियाँ बड़े मियाँ की सेहत थी वो जाके लंदन में ठीक होगी और इन्होंने देती ठीक हो गई है। सो पता नहीं ये क्या ड्रामा रचाया जाता है। बहरहाल हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि नेशनल असम्बली का इजलास भी सही चले, बजट इंशाल्लाह पास होगा और हमारी कोशिश के बावजूद ये कोशिश करते रहेंगे। ताली है एक हाथ से नहीं बजती लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम अफाम व तफीम से आगे बढ़ें। देखें जी बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि मईशत बहाल हो रही है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो तब्दीली का हमने वादा किया था वो तब्दीली की तरफ हम गामजन हैं। और इनको पता है कि इनकी सियासत ख़त्म होने वाली है, इनको पता है कि जो बयानिया या नैरेटिव है वो चेंज हो चुका है और इसलिए अब सवाए धींगा मछती के इनके पास और कोई चारा और तरीका नहीं है। और दूसरा आपने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं पता किसके पांव पकड़ेंगे लेकिन फिलहाल जो नून लीग की अंदरूनी जंग जारी है उसमें उनको पता नहीं कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता लेकिन बड़ी जोरों से जंग जारी है मरियम की और शहबाज शरीफ। तो इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझाने या कानून पास करवाने की बजाय हुकूमत जो है वन साइडेड क्यों चल रही है कि ये मामला जो है वो तजाज का शिकार है। देखिए जी हमने कोई कम से कम 20 दफा अपोजिशन को कहा है कि आए आए और हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर कहते हैं जी कंसेंसस से होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं आइए आए और हमारे साथ बैठे और बैठ के इसको तय करते हैं लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हम क्या करें, हमने फिर लेजिस्लेशन जो है उसको पास कर दिया। उनके दौर के सम्राट देखने के लिए आपको लंदन जाने की जरूरत है, वहाँ पे आप पार्क लेन और वहाँ पे जाएं जो अरबों रुपए की जदातें आपको नजर आए वो उनके सम्राट हैं और फिर जो 24 मिलियन डॉलर की टीटियां लगी वो उनके सम्राट हैं और जो इस मुल्क के साथ कर दिया दोनों जमातों ने मिलके वो उनके दौर के सम्राट हैं। अब मुल्क एक ईमानदार लीडरशिप इस मुल्क को आगे लेके बढ़ रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है आगे जाएगा तरक्की करेगा। मैं भी पंजाबी हूँ, लाहौर से हूँ, पंजाबी हूँ और मेरा कल्चर गालियाँ देना नहीं है। शुक्रिया।